जीवन एक सुहाना सफर है जहां आप अलग और अनोखी चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं। हमारी यात्रा में सबसे अनोखी और आकर्षक चीज़ों में से एक है वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ। प्रकृति और वन्य जीव से हम सभी किसी न किसी तरह से उत्साहित होते हैं। जैसा कि कहा गया है, मानव प्रजातियां विकास यानी इवोल्यूशन की प्रक्रिया के माध्यम से बनी हैं। इसके अलावा हमारे DNA का 99% वानरों के साथ मिलता जुलता है, इसलिए ये सिद्ध है कि मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये वाइल्ड लाइफ क्या है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी क्या है और साथ ही साथ उनके अन्य प्रकार। क्रिएटिव हट चैनल में आपका फिर से स्वागत है, एक ऐसा विशेष मंच जहां आप फोटोग्राफी के बारे में अधिक जान सकते हैं। तो वन्य जीव एक ऐसा पद है जो वन तंत्र या इकोसिस्टम में जीव जंतु को संदर्भित करता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये उन पौधों और जानवरों को संदर्भित करता है जो सामान्य रूप से पालतू नहीं होते हैं, इसलिए ये सभी वातावरण में जैसे जंगलों में, वर्ष वन में, रेगिस्तान आदि में पाए जाते हैं और साथ ही साथ ये प्रकृति के वन तंत्र और भोजन की श्रृंखला यानी कि फूड चेन को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के वन्य जीव हैं और ये वन्य जीव अलग स्थितियों में जीवित रहते हैं और वो भी अलग अलग व्यवहार के साथ। और जब फोटोग्राफी की बात आती है तो ये सबसे दिलचस्प और आकर्षक शैली है, लेकिन ये किसी भी अन्य प्रोफेशनल क्षेत्र की तुलना से बहुत कठिन क्षेत्र है। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी देखा जाए तो जानवरों, पशु पक्षियों की तस्वीरें उनके स्थान में प्रकृति के बीच उनके चाल चलनों को, उनके भावों को कैमरा के माध्यम से खींचने का होता है। लेकिन फोटोग्राफी की किसी भी अन्य शैली की तरह यह हमारी विषय जो कि पशु पक्षियाँ हैं वो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार पोस नहीं होगी, और यही इस क्षेत्र को औरों से अलग, दिलचस्प और चुनौती भरा बनाता है। वास्तव में वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को 7 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वो है मैमल्स यानी सत्तनधारी, रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जंतु, एम्फीबियंस यानी उभयचर, बर्ड्स यानी पक्षी, फिश यानी मछली, प्लांट्स यानी पौधे और इंसेक्ट्स यानी कीड़े। मैमल्स यानी सत्तनधारी सभी जीवित प्राणियों में से सबसे बुद्धिमान होते हैं। सत्तनधारी ऐसे जानवर होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, और नारी सत्तनधारी शिशु को जन्म देने में और दूध का उत्पादन करने में काबिल होते हैं। उदाहरण के लिए इसमें बिल्लियों से लेकर वेल्स तक शामिल हैं। रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जंतु ऐसे जानवर हैं जिनमें बाल या पंख के बजाय पपड़ी होती है। उन्हें पक्षियों और सत्तनधारियों का पूर्वज माना जाता है, जैसे कि छिपकली, सांप, मगरमच्छ आदि। एम्फीबियंस यानी उभयचर भूमि पर दिखाई देने वाली पहली कशेरुक है उभयचर एम्फीबियंस। उनके पास जमीन और पानी दोनों पर रहने की क्षमता है, जैसे कि मेंढक और सैलमेंडर। बर्ड्स यानी पक्षी एकमात्र जीवित प्राणी जिनके पंख होते हैं, हालांकि सभी पक्षियाँ उड़ नहीं सकते। उड़ने वाले पक्षी यानी क्रेन, बारसर वाला हंस, गिद्ध आदि, और कुछ गैर उड़ने वाले पक्षी जैसे कि शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच, यमू, पेंगुइन आदि। फिश यानी मछली ये एक ऐसे प्रकार के जानवर हैं जो पानी में रहते हैं और अपने गिल्स से सांस लेते हैं, जैसे कि गोल्ड फिश, क्रे फिश, गोल्डन स्नैपर आदि। प्लांट्स यानी पौधे यह ऐसे जीव है जो अधिकतर हमारी धरती पर छाई हुई है। ये पाए जाते हैं पेड़ों, फूलों, झाड़ियों, जड़ी बूटियां आदि के रूप में। इंसेक्ट्स यानी कीड़े ये वन्य जीवों में सबसे बड़ी समूह में से एक है। सभी जानवरों में से लगभग 75% कीड़े हैं, उदाहरण के लिए बीटल, चींटियाँ आदि। ज़्यादातर लोग जानवरों और पक्षियों की फोटोग्राफी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मानते हैं, क्योंकि वे फ्रेम को फुर्तीला और प्रभावशाली बनाता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या पौधों की शैली इस क्षेत्र में आता है? हाँ, ये वन्य जीवी की श्रेणी में आता है,
हमारे इकोसिस्टम में कुछ जंगली पौधे हैं जैसे कि नीलकुरिंजी, लायंस ईयर, डेविल्स क्लो आदि जैसे पौधे जो वनस्पतिक यानी बोटानिकल आवश्यकताओं के लिए फ़ोटो खींचे जाते हैं। वन्यजीव फोटोग्राफर के तरह ही वनस्पति फोटोग्राफर भी होते हैं जो इन सब में गहराई से रुचि रखते हैं। तो कुल मिलाकर वन्यजीव तस्वीरें दुनिया के अन्य प्रजातियों के महत्व, उनकी जीवित संख्या, विभिन्न प्रकार आदि के बारे में बताने की शक्तिशाली क्षमता रखते हैं, और इसी के साथ हमें ये जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाता है कि ये प्रकृति जितना मनुष्य का है उतना ही अन्य प्रजातियों का भी। तो दोस्तों, इन सब बातों को जानने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की किस शैली में शूटिंग करना पसंद करेंगे और क्यों। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना पहले पहुंचे। सभी प्रकार के फोटोग्राफी कोर्सेज के बारे में आप जान सकते हैं हमारे वेबसाइट www.creativehut.org में। फोटोग्राफी के आर्टिकल्स, टिप्स, ट्रिक्स, पोर्टफोलियो और भी बहुत कुछ जान सकते हैं आप फोटोग्राफी के बारे में हमारे ब्लॉग www.creativehuts.com में। लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे। अलविदा।